तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत की सियासत भी गर्म है। जम्मू कश्मीर के नेताओं द्वारा बार बार तालिबान को लेकर बयानबाजी हो रही है। पिछले दिनों पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बाद अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी तालिबान के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मोदी सरकार ये साफ करे कि तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं है, और अगर तालिबान आतंकी संगठन है तो भारत क्यों बातचीत कर रहा है। अब उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उमर अब्दुल्ला को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विरोधी ऐसे बयानों से उनकी पार्टी को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संबित पात्रा ने एक टीवी डिबेट में बैठे थे, इस दौरान जब एंकर ने उनसे पूछा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर वो आतंकवादी संगठन है तो उनसे बातचीत करने की क्या जरूरत है, क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। इसके बाद पात्रा ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, देखिए आतंकी संगठन हो लेकिन क्या आप यहां से टैंक लेकर लड़ाई करेंगे। आपको कूटनीतिक तरीके से बिना खून बहाए अपने लोगों को वहां से वापस लाना है। आपको क्या लगता है कि अगर आप युद्ध शुरू कर देंगे तो वो हमारे नागरिकों को वहां छोड़ देंगे, सुरक्षा देंगे? अब हमारी प्राथमिकता वहां फंसे नागरिकों को बचाने की होनी चाहिए। पात्रा ने यह भी कहा कि आज फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो या कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, वो हमें चिढ़ा रहे हैं। दरअसल ये मामला इसलिए उठा है क्योंकि भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई से मुलाकात की। इसके बाद से ही विरोधी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार फिलहाल अफगानिस्तान में हर संभव प्रयास कर रही है क्योंकि वहां फंसे भारतीयों को निकालना सरकार की पहली प्राथमिकता है, जबकि विपक्षी नेता इस मुद्दे पर भी राजनीति करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।